वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनवेलप डिटेक्टर। एक एनवेलप डिटेक्टर बहुत चीप सर्किट है, एक डायोड और एक कैपेसिटर की मदद से ये आपका जो डिटेक्टर है ये डेवलप हो जाता है। इनपुट पर यहाँ पर एक AM सिग्नल आप अप्लाई करेंगे और आउटपुट पर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस से आउटपुट लेंगे, आउटपुट पर आपको एक मैसेज सिग्नल रिसीव हो जाएगा। देखते हैं कैसे ये कैसे प्रोसेस करेगा। यहाँ पर एक AM सिग्नल की वेवफॉर्म मैंने यहाँ पर ड्रा करके रखी है। एनवेलप डिटेक्टर तभी काम करेगा जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू की वैल्यू 1 से छोटी होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो सिग्नल हमने यहाँ पे ड्रा करा है, यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू की वैल्यू 1 से छोटी है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर एक्चुअल में जो मैसेज सिग्नल है, जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन कंटेंट है, वो कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में होती है। अगर आपने कैरियर सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड कैप्चर कर लिया है तो आप ये बोल सकते हैं कि आपको मैसेज सिग्नल रिसीव हो चुका है। एनवेलप डिटेक्टर एक्चुअल में ये पीक एम्पलीट्यूड्स को कैप्चर कर लेता है और हम वो आउटपुट पर मैसेज सिग्नल की वेवफॉर्म जनरेट कर देता है। देखते हैं इस वेवफॉर्म का सिर्फ एक साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में यहाँ पे ले रहा हूँ, उसको अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ कैसे इसका ऑपरेशन समझने के लिए। इसकी एक कंप्लीट साइकिल मैंने यहाँ से ले ली, फॉर एग्जाम्पल ये रही इसकी एक कंप्लीट साइकिल जो कि 0 से लेकर T1 और T2 तक एग्जिस्ट कर रही है। आप देख सकते हैं डायोड कब कंडक्ट करता है, जब डायोड की इस टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेज हो और इस टर्मिनल पर कुछ कम या फिर नेगेटिव वोल्टेज हो, तब जाके आपका डायोड जो है वो कंडक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही इस इनपुट सिग्नल की पॉजिटिव वेवफॉर्म इस पॉइंट तक ऑपर होगी T1 सिग्नल तक, इनपुट सिग्नल की अगर पॉजिटिव वेवफॉर्म ऑपर हो रही है T1 सिग्नल तक, तो यहां से लेके T1 इंस्टेंट तक, पूरा के पूरे T1 इंस्टेंट तक इस पॉइंट का वोल्टेज कुछ बढ़ता जा रहा है 0 से, और आप यहां पर देख सकते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल तो कहां पर है 0 पे इनिशियली। तो पूरे के पूरे पॉजिटिव हाफ के लिए, पॉजिटिव हाफ मतलब कहां तक, T1 तक, तो 0 से लेके T1 टाइम इंस्टेंट के लिए आपका जो डायोड रहेगा वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कई बुक्स में लिखा हुआ है कि पूरे पॉजिटिव हाफ के लिए डायोड शॉर्ट सर्किट रहेगा, ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव हाफ में भी 0 से लेकर T1 तक, बस T1 तक ही आपका डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका पीक एम्पलीट्यूड में कुछ वी अज्यूम कर लेता हूँ, तो जब तक पूरा पॉजिटिव हाफ रहेगा तो डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और पूरा का पूरा करंट इस कैपेसिटर में जाके इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। एक्चुअल में रेजिस्टेंस RL की वैल्यू काफी ज्यादा है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है वो, इसलिए मैक्सिमम करंट इस कैपेसिटर के थ्रू जाएगा और कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। कैपेसिटर अब इनपुट वेवफॉर्म की पीक वैल्यू तक, पॉजिटिव नेगेटिव V, कैपेसिटर अब इनपुट वेवफॉर्म की पीक वैल्यू तक चार्ज हो चुका है। चलिए अब इसका हम यहाँ पर चार्जिंग टाइम कांस्टेंट देख लेते हैं। इसका जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है, यानी कि चार्ज होने में कितना समय लगा कैपेसिटर को, वो होता है टाइम कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इज रोटेटेड बाय टाउ, टाउ इज इक्वल्स टू RS इनटू C। RS जो है वो आपके डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको हमने अलग से शो कर रखा है। तो RS की वैल्यू बहुत कम होती है, 10 से लेके 100 ओम तक के बीच में ही RS एक्सिस्ट करता है। अगर RS की वैल्यू बहुत छोटी है तो आपका जो टाउ है, टाइम कांस्टेंट, वो भी बहुत छोटा होगा। टाइम कांस्टेंट कम है ये इस बात को सिग्निफाई करता है कि आपका कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। अगर टाइम कांस्टेंट कम है तो इस बात को सिग्निफाई करता है कि आपका कैपेसिटर बहुत जल्दी से चार्ज हो जाएगा, यानी कि बड़ी जल्दी अपनी पीक वैल्यू को अटेंड कर लेगा। और आप भी यही चाहते हैं कि जैसे ही AM वेवफॉर्म आए तो बहुत कम समय में वो अपनी पीक वैल्यू को अटेंड कर ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। T1 से लेकर T2 तक का टाइम इंस्टेंट देखें तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V है,
और T1 से लेके T2 तक आपका यहां पर वोल्टेज कुछ V से तो कम वोल्टेज है, पूरे के पूरे T1 से लेकर T2 तक V से कुछ ना कुछ कम वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें, डायोड के यहां पर कुछ V वोल्टेज है और इस पॉइंट पर V से कुछ कम वोल्टेज, तो बेसिकली आप यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव साइन लिखेंगे, क्योंकि यहां पर V वोल्टेज है और यहां पर कुछ V से थोड़ा छोटा वोल्टेज। इस कंडीशन को बोलते हैं कि अब हमारा डायोड जो है वो रिवर्स्ड बायस हो चुका है। अगर डायोड रिवर्स्ड बायस हो चुका है तो डायोड एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर डायोड अब ओपन सर्किट हो चुका है तो जो आपका कैपेसिटर है, अब वो कैपेसिटर धीरे 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 डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा आर एल के थ्रू। अब धीरे धीरे पीक वैल्यू अटेंड करने के बाद आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। पर अगर आप डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की बात करें तो वो होगा आर एल इंटू सी, जहां पे आर एल की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, आर एल किलो ओम्स की रेंज में होता है। तो आर एल की वैल्यू ज्यादा मतलब टाउ की वैल्यू ज्यादा, और टाउ की वैल्यू अगर बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि डिस्चार्ज होने में अब ज्यादा समय लगेगा, आपका कैपेसिटर अब धीरे 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 डिस्चार्ज होगा। आप देख सकते हैं चार्ज बड़ी जल्दी हो रहा था और डिस्चार्ज बहुत धीरे धीरे हो रहा है। ये डिस्चार्जिंग इतनी धीरे धीरे हो रही है, इस बात का हमको एक फायदा मिलेगा, वो ये है कि पीक वैल्यू अटेंड करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटर ने पीक वैल्यू अटेंड कर ली, अब कैपेसिटर धीरे 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 डिस्चार्ज हो रहा है, तो जितनी देर में आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है उतनी देर में ये नेगेटिव वेवफॉर्म आपके चली जाएगी और कैपेसिटर फिर पीक वैल्यू से चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, जितनी देर में आपका कैपेसिटर धीरे 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 डिस्चार्ज हो रहा है उतनी देर में ये नेगेटिव हाफ पूरा आपके चला जाएगा और कैपेसिटर वापस बड़ी जल्दी चार्ज होना स्टार्ट कर देगा और पीक वैल्यू अटेंड कर लेगा। तो कैपेसिटर थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा और वापस से पीक वैल्यू अटेंड कर लेगा। अगर आप आरएल की वैल्यू छोटी रखते हैं तो कैपेसिटर अक्रॉस कैपेसिटर बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होगा और कहीं ना कहीं जीरो पर चला जाएगा, इससे हमारा मैसेज सिग्नल डिस्ट्रॉट हो जाएगा। तो मैसेज सिग्नल अच्छे से रिसीव करने के लिए आपका आर एस की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए और आर एल की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। एक प्रॉब्लम आकर होगी अगर आर एल की बहुत बड़ी वैल्यू आप रखते हैं, उस प्रॉब्लम का नाम है डायगोनल क्लिपिंग। आपकी डायगोनल क्लिपिंग का मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका कैपेसिटर अगर डिस्चार्ज हो रहा है, आर एल की वैल्यू आपने बहुत ज्यादा रख दी और आपका कैपेसिटर धीरे 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 डिस्चार्ज हो रहा है, इतनी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है कि नया पॉजिटिव पीक आके भी चला गया और कैपेसिटर अब तक डिस्चार्ज हो रहा है, फिर वापस जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो नई वेवफॉर्म से चार्ज होगा, तो ये सिग्नल आपका लॉस्ट हो गया। लॉस्ट, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं डायगोनल क्लिपिंग। थैंक यू।